हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलास्टिक लगाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से हमने ये सलवार लिया है जिसमें कि हमने इलास्टिक लगानी है। तो देखिए, इलास्टिक हम बहुत ही आसान तरीक़ों से लगाएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो देखिए, इस तरह से हमने इलास्टिक के लिए यहाँ 2 इंच रखा है जो कि हम पूरी गोलाई में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमने 2 इंच लिया है इलास्टिक लिए, उसे हम फोल्ड कर लेंगे पूरी गोलाई में। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेनी है, इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा खुला छोड़नी है जिसमें से हमने इलास्टिक को डालेंगे। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लिया है और यहाँ हमने खुला छोड़ा इलास्टिक के लिए। तो अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक अब हमेशा अपनी कमर के अकॉर्डिंग लगानी होती है। जितनी मेरी कमर होगी इलास्टिक, उससे 3 से 4 इंच हम कम लेंगे। तो हमारी कमर 32 इंच है, तो इस तरह से हम इलास्टिक को 28 इंच पे कट करेंगे। यानी कि हम अपनी कमर से 4 इंच कम की इलास्टिक लेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच है, तो हमने इलास्टिक को 28 इंच पे कट किया है। देखिए, इस तरह से हमने 28 इंच का इलास्टिक लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसकी हेल्प से हम इलास्टिक को इसमें डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पिन को इसमें लगा लेनी है और हमें जहाँ यह खुला छोड़ा था उससे हम इलास्टिक को डालेंगे। बहुत ही इजीली हमारी इलास्टिक इसमें डल जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने गोलाई में इलास्टिक को लगा लेनी है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी इलास्टिक इसमें डल जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है। और इस किनारे से अब हम इलास्टिक को ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी इलास्टिक इसमें डल गई है। अब हम इलास्टिक को ऐसे ओवरलेप करेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे, 3 से 4 सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा दे रहे हैं। तो हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको अंदर डाल लेंगे और जो हमने यहाँ पर खुला छोड़ा था उसे हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्टिच कर लिया है। जो हमने खुला छोड़ा था उसमें हमने स्टिच कर लगा लेनी है। अब हम इसमें इलास्टिक हमारी डल गई है, इसमें हमने अब टोप स्टिच लगानी है जिससे हमारी इलास्टिक इधर उधर ना हो, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हम इसमें टोप स्टिच लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हमें टोप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हम स्टिच को लगा लेंगे। टोप स्टिच को पूरी गोलाई में ऐसे लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने टोप स्टिच लगा लिया है। इस तरह से इलास्टिक हमारी अच्छे से फिट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इलास्टिक को लगा सकते हैं।